वेलकम बैक टू प्रफुल्लास कॉर्नर। और आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू कल्चर। अहमदाबाद में जो रहते हैं उन्होंने सुना होगा, अगर उनको जगह नहीं मालूम है तो हम उसका सारा डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे और इंस्टाग्राम में भी देंगे। तो आप अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये मेरा आईडी है, उसे आप फॉलो करें तो और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको वहाँ पर पता चलेगा। सो आर यू रेडी टू कम विद मी? आर यू रेडी? देन कम ऑन। पार्किंग स्पेस, यहाँ पे पार्किंग है, आई थिंक ऊपर भी है। देखो ऐसे ऊपर वाला भी है, ये एक यूनिक तरीका मैंने यहाँ पे पहली बार देखा है एक्चुअली। तो ये ऐसे ऊपर भी पार्किंग होती है, दैट्स गुड। फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं बारबेक्यू कल्चर। बारबेक्यू कल्चर अहमदाबाद में है और हमने ये फाइंड आउट किया है और इसका व्यू अच्छा था तो हमने सोचा चलो चेक करते हैं। 21 टाइप्स ऑफ डिशेस है इंक्लूडिंग मेन कोर्स, और उसके 2-3 टाइप्स के हैं तो उससे ज़्यादा आप काउंट कर सकते हो, 100 ही होगा। मेन कोर्स इंडियन और चाइनीज़ है, और कास्ता है तो इटालियन भी है। सो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी वैरायटी ऑफ डिश्स एंड सैलेड्स, प्लस आपको डेजर्ट्स है। एंड जैन लोगों के लिए भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है क्योंकि जैन फूड भी है यहाँ पे। एंड बाय द वे ये फुल ऑन वेजिटेरियन है, तो आप यहाँ के आके इंजॉय कर सकते हो और लाइव बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हो। एंड फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। एंड यहाँ पे केक्स है, मूव्स है, हमारे टेबल में हम दिखा रहे एक एक करके। ये है बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू। एंड मंचिंग के लिए आपको साइड में दिया जाता है। मॉकटेल्स है, 2 टाइप के मॉकटेल्स है, एक एप्पल और स्ट्रॉबेरी। एंड प्लस आप बटर मिल्क भी ले सकते हो। ये सारे डिशेस हमने लिए हैं, हम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते इसीलिए थोड़ा थोड़ा लिया है। ये इसका ओंगन्स है और अभी हम रेटिंग दे रहे हैं हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारी चॉइस के हिसाब से हम इसको 5 रेटिंग दे रहे हैं। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन उनको ओंगन्स और टेस्ट कैसा लगता है। तो ये रहे हम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमको वीडियो में खुद को दिखाना ज़रूरी है। यहाँ तो ये वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा आते रहते इसीलिए आपको वहाँ पे व्यू पॉइंट तो हम स्क्रीन में दे ही रहे थे, बट वीडियो क्लोज करके आपको कुछ टिप्स देना ज़रूरी था। देखिए आपके टेस्ट आपको कैसे लगता है उसके ऊपर फुल ऑन डिपेंड है, क्योंकि अदरवाइज ओंगन अच्छा था कि आप बैठ के एकदम चिल कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, या कुछ चिट चैट करने के लिए भी आपके फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, लंच डिनर के लिए ऑसम प्लेस है अगर आप होल वेजिटेरियन हैं। एंड जैन लोगों के लिए भी है वहाँ पे, सो जो जैन फूड होता है वो लोग भी वहाँ पे जाके नो चेकआउट कर सकते हैं, उनको भी टेस्ट अच्छा। जैन फूड हमने नहीं किया क्योंकि वी आर नॉट इन टू दैट पर्सन जो खुद को वेस्ट करे, ठीक है। अगर हम नहीं खा रहे तो वो तो खा ही सकते हैं ना उसे। तो वैसे जैन फूड माना जाए तो इट्स लाइक वीगन, होल वीगन आई फील वही होता होगा, क्योंकि हाँ घी के अलावा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पड़ती है उसमें, अदरक लहसुन ऑनियन वगैरह नहीं पड़ता है। जो जैन फूड नहीं जानते हैं उनको कह रही हूँ, अगर वो लोग को ट्राई करना है तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लविंग योरसेल्फ एंड 3 4 5 एंड 6।